जगह घूमूंगा, पूरा पूरा घूमूंगा, पूरा घूमूंगा। अरे सर घूम गया, चक्कर आ गया, चक्कर। हाय यूट्यूब, सभी जितने भी देखने वाले लोग दर्शक हैं और भाइयों बहनों सबको नमस्कार और हार्दिक अभिवंदन। और अभी आज हम जिस जगह पर आए हुए हैं वो है पलौत रिसॉर्ट, जो कि हल्द्वानी से 15 मिनट का रास्ता, आई थिंक किलोमीटर मुझे अभी पता नहीं, मैं लिंक जो मतलब डिस्क्रिप्शन में इसको बता दूंगा। तो अभी यहाँ पे करीब 3:30 बजे का समय इस वक्त और हम लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं। बस अब जस्ट अभी आपको दिखाते हैं, तो पूरा देखने के लिए हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। कुछ कहना चाहते हो? आ चुके हैं हम यहाँ बलौत में भी, तो कुछ ऐसा दिखता है ये जगह, दिस इज कॉल्ड बलौत रिसॉर्ट। तो हम घूमना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो सब, मैं घूमू, तुम घूमो, मैं घूम के दिखाता हूँ, घूम के देखो, मैं घूम के दिखाऊं। मैं को बोला तो ये घूमने लग गए, ऐसे नहीं घूमना है, ऐसे घूमना है। चलो फिर सबसे पहले लेट्स गो उधर, उधर से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। चलो करते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से रास्ता है जाने का, वहाँ से भी है रास्ता, तो रास्ता वहाँ से भी है, लेकिन वहाँ से जाएंगे। हाँ पहले हम उधर से दिखा दें थोड़ा सा, फिर ये रहा रास्ता आने का, यहाँ से आएंगे, फिर वहाँ बगाड़ी पार्क करेंगे, बैठने का है, देखो ऐसे बैठ सकते हैं। पत्थर आवाज आ रही है, वो ना गाड़ी आ रही है वहाँ से। चलो चले, कहाँ चले? चलो घूमते हैं अपने बलौत रिसॉर्ट, फिर हमें अंधेरा हो जाएगा। चलो चलो चलो, अरे आ तो गए, इससे ज्यादा कहाँ चलेंगे अब? चलो घर चले फिर, चलो फिर आओ, चलो लेट्स गो। ये रहा इतना बड़ा एरिया बलौत रिसॉर्ट का, पार्क है। शूट करें ना इसको, थोड़ा घंटी को छोटी कर लो, छोटा सा है बाबू। घूमी घूमी हो रही है ये देखो, घूमी 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 गोल गोल घूम रहे हैं रिसॉर्ट को, थोड़ा पसंद आया। ओ व्हाइट फ्लावर, व्हाइट रोज, तो यहाँ पे यार वो भी है, हॉट एयर बलून टाइप का भी है कुछ, मतलब बेहतरीन एडवेंचर वाला किसी को अगर चाहिए तो ये भी अभी ले आ रहे हैं। प्रिपरेशन चल रही है ना उसकी, तैयारी चल रही है उसकी। जीप है तो यहाँ पे शादी वादी भी होती है, यहाँ पे थोड़ा और नजदीक आओ ना, यहाँ पे शादी वादी इस टाइप का सब भी होता है, जैसे लोग करते हैं ना शादी वादी करते हैं ना, यहाँ भी शादी नहीं है यार, यहाँ शादी वादी होती है। यहाँ पे पता है मेन क्या है, वो हिट आउट मी कि यहाँ शादी भी होती है, तो वहाँ बोला परसों कल शादी है, आजकल में शादी है, तो शादी वादी के भी यहाँ पे होते हैं कार्यक्रम। और इधर रेस्टोरेंट है, तो अभी हम यहाँ कुछ खा पी के आते हैं। यहाँ पे मेन चीज क्या है, प्री वेडिंग शूट होती है, प्री वेडिंग भी होता है यहाँ सब। हाँ। एरिया प्री वेडिंग के, प्री वेडिंग के लिए के है, प्री वेडिंग है, ताला भी प्री वेडिंग। चिक दिक चिक दिक जा, और ये झूला झूलते बड़ा मजा, अरे यार क्या मजा है। हम कहीं भी जाएं बतख हमें पक्का मिलेगी, ये थोड़ी हेल्दी बतख है ना। हाँ। ये क्या है? ये वो है यार, टर्की है, टर्की टर्की है, टर्की टर्की। वही तो टर्की था यार, टर्की टर्की खतरनाक था यार, बहुत ही जबरदस्त फाड़ के रख दी इसने। Thank you.
टर्की में यार पीछे तो नहीं पड़ेगा ऐसे टर्की है। अरे 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 तुम चले जाओ करके बता लो कि क्या है आपको क्या लगा टर्की है काटता क्या। अरे उसका मुंह ही उधर है कहां से काटेगा वो। ये बहुत जबरदस्त चीज है यार। ओ फट गई वो ऐसे कर रहा था। मैं तेरे को काट दूंगा अगर तू ज्यादा बीसी करेगा मेरे साथ। पेड़ पहाड़ ये बहुत सारे हैं। क्या कर रही तुम यहाँ पे। यहाँ पे मुझे टेबल दिख बड़ी अच्छी लग रही थी मैं बैठ गई। ऑफिशियल टेबल थोड़ी हो रही है कोई। तो क्या आओ मैं तो और। ओह ये वाओ ये अच्छा लगा यार। यहाँ पे देखो टायर भी लगाया है यार वेस्ट चीजों का यूज किया गया है। हाँ यार ये आइडिया अच्छा है ना। अच्छा एक बड़ा सा ग्लास लगे घर पे ऐसे कर देते हैं। ये दिखाओ ना पूरा। तो ये सब दिस इज ऑल बैम्बू वर्क। ये बांस के बने हैं बहुत ही प्यारी मतलब सुंदर सस्ती और टिकाऊ मतलब वो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है जो मतलब यहाँ की है और बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक जानवर है जो कि अरे नकली है। ओह माय गॉड अभी यहाँ हम देख ही रहे थे तो हमें यहाँ पे कुछ खरगोश भी है। तो ये यहाँ पे खरगोश की वो है नजदीक से दिखाओ ना। हाँ खरगोश तो खरगोश देखा है वाइट वाइट। हाँ मैंने देखे हैं। हाँ ये तो बड़े शांत खरगोश है यार। वो फुदंग जो ज्यादा वो शैतान टाइप के है ना वो नहीं एक्चुअली ठंड भी लगती है ना इनको। हाँ ठंड रहती है ना ठंड में तो लकड़ी का है तो थोड़ा सा ये थोड़ा गर्म गर्म सा रहता है ना इनके लिए। चलो और यहाँ पे बहुत कुछ है घूमने के लिए। अभी हम वैसी तरफ चलते हैं। यहाँ पे रहने का भी है बहुत अच्छा है। ये सारे मतलब वो कमरे हैं मतलब अगर मतलब जैसे कुछ फंक्शन वंक्शन है कुछ रहने वहना है तो यहाँ मतलब रहने का भी है तो रात को आ सकते। अरे यहाँ टेंट वेंट भी लगे हुए कुछ इस तरीके से ना अच्छा बनाया आगे तो फिरने का वो बंद हो वो तो रिकॉर्ड होते रहता है। यस तो ये न्यू ईयर ईयर के लिए जैसे 31st का भी है जैसे यहाँ पे अच्छा खासा वो प्रोग्राम होता है यहाँ पे ये 31st के मतलब उस टाइम पे बॉन फायर ये फायर वो फायर। और यहाँ पे जब मैं आया था उस टाइम मुझे ये भी बताया था कि ये यहाँ पे वो बैलून वाला है हॉट एयर बैलून वाला मतलब 100 to 150 feet तक वो लेके जाएगा। ठीक है टेंट्स भी बने हो रहे ये टेंट बड़े अच्छे लग रहे हैं बहुत सुंदर। अब आगे कुछ है नहीं कहाँ से ओके चलो है नहीं चलो यहाँ तक तो हो गया। अब ये सुनो दिखाते हुए ओके तो दीज आर द टेंट्स बिहाइंड दिस इज आल्सो फॉर मेड फॉर अकोमोडेशन इफ यू लाइक टू विजिट you want to spend some adventure you can go there and have a very beautiful night there. ye aise ped pe chadhne ka jaise kisi ka time ha kisi ka time pass nahi ho raha hai to is seedhi se jaake aap matlab upar ja sakte ho aur matlab wo kar sakte ho ha acha hai badhiya hai yahan se ja sakte ho tum jaoge seedhe saade rakhte se काफ़ी कुछ है यहाँ पे। जंगल भी बड़ा खतरनाक घना जंगल है यहाँ पीछे पूरा सब जंगल। ओके चलो यहाँ का फोटो सेशन हुआ कंप्लीट और हम आगे निकल रहे। मेरी जैकेट भी मतलब बहुत दिन से मैं यही पहन के घूम रहा हूँ तो ये गंदी होगी बहुत ज़्यादा। और ये जहाज़ भी है यहाँ पे। ओके गाइज यहाँ पे एक बेहतरीन जहाज़ है 1967 का मतलब बहुत पुराना। आई एम जस्ट जोकिंग ये ऐसे बना हुआ एक मॉडल है मतलब जहाज टाइप का कुछ जैसे बना फॉर फन फॉर किड्स और ये बस जस्ट लाइक दैट। और इसके अंदर तुम कोई ऐसी फ्री फ्लाइट नहीं है बस ऐसे जस्ट हुआ है। क्यों सही कह रहा हूँ ना मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हाँ तो ये जो जहाज़ है इसमें आपको दिख रही होगी ये इधर ये सीट है किसी भी है, थोड़ा सा बैठने बैठने का। हाँ हाँ किसी को अगर जाना है यहाँ से दिल्ली विल्ली जाना है तो इसमें बैठ के चले जाना और फ्री है बिल्कुल। टिकट टिकट नहीं मतलब ज़्यादा वो नहीं है महंगा नहीं है बहुत ही सस्ता है। तो आई थिंक यू शुड ट्राई इट सम टाइम इन योर फ्री टाइम व्हेन एवर यू विश एज पर योर डिज़ायर। चलो हम आगे जाते हैं थोड़ा सा
ऑफ रोड, रोड से हट के इट्स कॉल्ड ऑफ रोड टाइप। और हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देख के आते हैं क्या है। यहाँ पे अंधेरा होने वाला है, वैसे ज़्यादा कुछ आज दिखा नहीं पाएंगे और हमको भी थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, है ना। और चलो देखते हैं, तब तक जितना जितना हो जा रहा है तब तक, हाँ, और अंधेरा हो जाएगा तो समझ लेना वीडियो खत्म हो गया, फिर मत बोलना। और ये जो ऊपर का नज़ारा है, जो ये जो है, ये फोटो जब खींची थी बड़ा ज़बरदस्त आ रहा था उस टाइम पे। और अभी अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है मतलब अंधेरा होने वाला हो गया ना, अभी अंधेरा से हो गया है, है ना पूरा। अभी वैसे फुल बोलो तो नज़ारा तो कुछ इस तरीके का है, क्यों है ना, क्यों है ना, सही कह रहा हूँ वैसे है। आज मैं बताता आया हूँ घूमने के लिए, मैं घूमूंगा पूरा पूरा घूमूंगा पूरा घूमूंगा। अरे सर घूम गया, चक्कर आ गया, चक्कर आ गया, चक्कर चक्कर आ गया, चक्कर आ गया। क्या नाम बताया था मैंने गांव का? भुजिया घाट, हल्दीग्राम वाली भुजिया नहीं, भुजिया घाट नाम का कुछ है यहाँ पे। और वहाँ से इसका रास्ता आता है उधर से, भुजिया घाट पूरा गांव है, तो पूरा ही जो है एरिया दिस इज पूरा भुजिया घाट वाला गांव। और भी छोटे मोटे गांव जो है अलग अलग, हर सौ नाम नहीं पता है, सबसे बड़ा गांव जो है भुजिया घाट है, वो हमें पता है। ओके ओके, हाँ तो मतलब कि 200 हर 300 मीटर में गांव नाम के चेंज हो जाते हैं, ये ऐसे वैसे मल्ला, ये वो तल्ला मल्ला, ये सब इस टाइप से जाता ना। और यहाँ पे वो भी है स्विमिंग पूल, ये यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे। और जिसने नहीं नहाया यहाँ के नहा लो, आजकल तो ठंडा हो रहा, कौन नहाता है वैसे, हैं क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं, मैंने आज ठंडा हो रहा था तो मैंने कहा नहीं नहाता हूँ। तो आई होप आपने ये देखा होगा, मतलब अच्छा लगा होगा, और कमेंट वमेंट कर देना कैसा भी लगा, मतलब बताना। तो कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो वीडियो है उसकी क्वालिटी को और सुधारें और कुछ चेंजेस जो है मतलब करने हैं। तो अच्छा लगे तो बताना, बुरा लगे तो भी बताना, और ज़्यादा बुरा तो क्या लगता है, ज़्यादा बुरा लगे तो प्लीज़ मत बताना। यहाँ तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो मतलब पत्थर को पेंट किया है ना, बहुत अच्छा मतलब आइडिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया ये जो उन्होंने काम किया है, काफ़ी काबिल तारीफ है। थोड़े पत्थरों की कमी होगी ना, पत्थरों की कमी होगी यहाँ पे, नहीं पत्थर बहुत है वो बीच बीच पत्थर को उठा के लेके चला गया लग रहा कोई, है ना घर पे, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली पहाड़ों में जो है ना पत्थर के बनते हैं मकान, पहाड़ों के मकान वकान जो बुनैद बुनियाद होते हैं, बुनियाद बुनैद और पहाड़ी बुनैद बुनैद बुनियाद बुनियाद होती है जो वो, हाँ 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 वो। हम लोग घूम लिए हैं, अब हम लोग कुछ खा पी लेते हैं, तो हमने कॉफ़ी ली है, हमारे ब्रेड रोल भी आ गए हैं। कौन लाया ब्रेड रोल, आप लाए हो? अब हम लोग ब्रेड रोल खा लेते हैं। वाकई बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी है, टेस्ट भी अच्छा है, और लाइक बहुत बढ़िया। वेज स्प्रिंग रोल्स एंड कॉफ़ी, दो कॉफ़ी, हाँ ओके बाय बाय। ओके बाहर तो अंधेरा जैसा हो गया यार, है ना, बाहर को अंधेरा है, हाँ लेकिन उतना भी नहीं हो रहा यहाँ पे यार, 31st के टाइम पे बड़ा मजा आता होगा, रात में अच्छा व्यू आता होगा यहाँ पे, कुछ यहाँ पे लाइट वाइट भी लगाई है रात के लिए, थोड़ी देर रुक जाए क्या, रात हो जाएगी, लाइट वगैरह जल जाएगी। बाघ आया, बाघ उठा ले जाता है यहाँ पे,
चलो फिर घर चलते हैं, नहीं तो हमें बाहर उठा लेते हैं। ओके मज़ा आ गया यहाँ पे। वेज रोल और कॉफ़ी। कॉफ़ी ओ सिलेंडर। आजकल पहाड़ों में पूरी धुंध धुंध सी छाई हुई है, बिल्कुल ना खतरनाक हो रखा है। कुछ दिख नहीं रहा आगे पीछे, हाँ चंद्रमा भी दिख रहा है, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा होगा। ओके गाइस, ओके अभी ओके ओके वीडियो भी यहीं ख़त्म करते हैं और चलो फिर, और बताना भी कैसा लगा वीडियो। हाँ अभी ठंडा हो गया यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और चलते फिर बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है।